प्रदेश समेत मंडी संसदीय क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवारों के प्रचार प्रसार की जिम्मेवारी बाजीमो संभालने जा रही है। प्रदेश बाजीमो अध्यक्ष विशाल राणा ने यहां पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने 67 विधानसभा क्षेत्रों में युवा सम्मेलन आयोजित कर करीब 1,00,000 युवाओं को इसमें शामिल किया है। उन्होंने कहा कि अब लोकसभा चुनावों में बाजीमो पार्टी के प्रचार प्रसार की जिम्मेवारी संभाले हुए हैं, जिसके चलते मिशन 4/4 को पूरा करने के लिए बूथ स्तर तक केंद्र और प्रदेश सरकार की जनहितैषी नीतियों को ले जाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि युवा मोर्चा घर घर जाकर पार्टी के झंडे पोस्टर बैनर पहुंचाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 सालों में युवाओं के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की जानकारी युवाओं को दी जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार पहली ऐसी सरकार है जो भ्रष्टाचार मुक्त और आतंकवाद मुक्त सरकार रही है। मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करवाकर दुनिया को यह संदेश दिया है कि भारत आतंकवाद को किसी भी स्तर पर सहन नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा के संकल्प पत्र में देश सर्वोपरि है, प्रदेश का युवा मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री देखना चाहता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सोच परिवारवाद को बढ़ावा देने की है। आजादी के 70 साल बाद भी कांग्रेस एक ही परिवार को पार्टी और देश की बागडोर सौंपना चाहती है। प्रदेश में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता अपने बेटों को राजनीति में एडजस्ट करने में लगे हुए हैं, जबकि पंडित सुखराम अपने पोते को एडजस्ट कर रहे हैं, जबकि भाजपा ही ऐसी पार्टी है जिसमें परिवार से हटकर कोई भी उम्मीदवार हो सकता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की लोकप्रियता के चलते प्रदेश की चारों सीटें भारी अंतर से जीतेंगे। इस अवसर पर बाजीमो प्रदेश महामंत्री रजत ठाकुर, अमित ठाकुर, महेश सिपाहिया, पाल वर्मा, राकेश बालिया, देवेंद्र ठाकुर, राजीव कुमार, प्रशांत शर्मा व सुरेश कटारिया आदि भी मौजूद रहे। हमीरपुर के वीडियो सभागार में पंचायतों में हाईटेक तरीके से काम करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण शिविर में 14वें वित्त आयोग के कामों को कंप्यूटरीकृत ढंग से पूरा करने के लिए प्रशिक्षण में अहम जानकारी दी गई। प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षक अजय और कपिल ने उपस्थित कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण शिविर के दौरान पंचायत सचिवों, तकनीकी सहायकों को जियो तकनीक के तहत प्रशिक्षण प्रदान किया गया। 25 पंचायतों के पंचायत सचिवों और तकनीकी सहायकों को प्रशिक्षण देने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। जानकारी देते हुए पंचायत इंस्पेक्टर पम्मी ठाकुर ने बताया कि हाईटेक तरीके से पंचायतों में काम करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि 14वें वित्त आयोग के तहत किए जा रहे कामों को निपटाया जा सके। हमीरपुर जिला एथलेटिक्स संघ की वार्षिक प्रतियोगिता 11 व 12 मई को सिंथेटिक खेल मैदान अणु में आयोजित की जाएगी। संघ की बैठक के उपरांत जिलाध्यक्ष पंकज भारती ने बताया कि इस बार ये प्रतियोगिता 2 दिन में आयोजित की जाएगी। ग्यारह मई को अंडर 10, अंडर 12 व अंडर 14 समूह में बालक व बालिकाओं दोनों के लिए ये प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। 12 मई को अंडर 16, अंडर 18, अंडर 20 व पुरुष व महिला वर्ग की प्रतियोगिता रहेगी। कि इस प्रतियोगिता के आधार पर जून माह में होने वाली प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता व नॉर्थ जोन प्रतियोगिता के लिए भी खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। प्रतियोगिता में पंजीकरण करवाने की अंतिम तिथि 7 मई तय की गई है। इसके बाद किसी खिलाड़ी का पंजीकरण नहीं किया जाएगा। कोई भी खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में नंगे पांव नहीं दौड़ेगा।
उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में खिलाड़ी 30 मीटर 40 मीटर 50 मीटर 60 मीटर 100 मीटर 200 मीटर 400 मीटर 600 मीटर 800 मीटर 1500 मीटर 2000 मीटर 3000 मीटर 5000 मीटर लंबी कूद गोला फेंक 4x100 मीटर रिले रेस में भाग लेंगे। खिलाड़ी अपने साथ अपनी आयु प्रमाण पत्र आधार कार्ड की कॉपी लेकर आएंगे। उन्होंने बताया कि पंजीकरण के संदर्भ में अधिक जानकारी के लिए खिलाड़ी क्लब या फिर स्कूल महासचिव संदीप डडवाल फोन नंबर 9418057867 या फिर संगठन सचिव विजय राणा से फोन नंबर 9418060134 पर संपर्क कर सकते हैं। बैठक में परशुराम अवार्डी सुश्री पुष्पा ठाकुर उपाध्यक्ष विजय अतुल सुरेश ठाकुर महासचिव संदीप डटवाल संगठन सचिव विजय राणा कोषाध्यक्ष रजनीश शर्मा सचिव अनिल शर्मा करण डोगरा कुलदीप ठाकुर संदीप शर्मा करण डोगरा सूरज ठाकुर उपस्थित रहे।